छोड़ रहा हूँ, दे रहा हूँ, स्विच बिल्कुल बराबर सही है। सेल्फ का जो स्विच है ना, इसमें हम लोग को ग्राउंड आएगा, इसी में मुँह के हम लोग को जाता है। अब वो चीज़ हम लोग को ख़राब हो गया भाई, चलो यानी कि सेल्फ स्टार्ट हो गया है। एसीएम में हम लोग का एक वायर है, तो यानी कि हम लोग का कहीं संपर्क है एसीएम से। हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास आया है एमा कंपनी का FZX मॉडल BS6 बाइक है, और ये बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यानी कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मैंने काफ़ी सारे चीज़ चेकअप किया, जो इस बाइक का पूरा मीटर कंट्रोल में लाइन भी है, और बाइक को अपडेट भी किया, चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है और बता नहीं पा रहा है। तो मैंने सबसे वोल्टेज यहाँ हमने रिले चेकअप किया, तो रिले भी हम लोग का सही है, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सेल्फ स्टार्ट काम ना करे तो हम लोग कैसे चेकअप करें। और एक्चुअली इस बाइक को फिर हम लोग सेल्फ स्टार्ट भी चालू करेंगे, तो यानी कि BS6 बाइक है, इसमें एक्चुअली क्या हुआ है, रिले ख़राब हुआ है या स्विच ख़राब हुआ है या ACM ख़राब हुआ है, इस वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे चीज़ देखने को मिलेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग दिखाते हैं तो कैसे हम लोग प्रोसेस चेकअप करें। गाइस, यानी कि सबसे पहले स्टेप जो है, देखिए बाइक का इग्निशन ऑन है, देखिए यानी कि इंडिकेटर भी जल रहा है, सब कुछ जल रहा है, और सेल्फ हम लोग का काम नहीं कर रहा है। देखिए किल स्विच ऑन है, काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ का जो स्विच है उसे हम लोग चेकअप करेंगे। गाइस, इस कपलर पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए एक ब्लैक में व्हाइट और एक ब्लू में व्हाइट, ये दोनों वायर हम लोग का सेल्फ पुश स्विच का है। तो सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे जो सेल्फ का पुश स्विच हम लोग का सही है या ख़राब है। तो कंटिन्यू में कर दिया है, अब यहाँ एक एक करके वायर लगाएंगे। गाइस, अब हम सेल्फ का पुश दबाएंगे, यहाँ मीटर में अगर शो करेगा तो स्विच ठीक है। छोड़ रहा हूँ, दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, यानी कि यहाँ हमने देखा जो हम लोग का स्विच बिल्कुल बराबर सही है। चलो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे कि रिले तक जाएंगे, रिले में हम लोग को क्या समस्या है। एक तार लाइए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे बैटरी का वोल्टेज बराबर है कि नहीं, यानी कि दिखाइए 12 वोल्ट 63 पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ हम लोग चेकअप करेंगे जो इस वायर पे हम लोगों को, यानी कि वोल्टेज बारह वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ वोल्टेज हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं, तो गाइस 12 वोल्ट हम लोगों को यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोगों को 12 वोल्ट अगर मिले तो हम लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, तो यानी कि 12 वोल्ट हम लोगों को दोनों में मिल रहा है गाइस, दोनों में। अब यहाँ हम लोग चेकअप करेंगे, एक ग्राउंड लगाएंगे, ठीक है, इस जगह पर ग्राउंड लगाएंगे और इस जगह पर 12 वोल्ट एक पॉइंट लगाएंगे, तो ग्राउंड वाला ही हम लगाया। अब यहाँ हम लोग सेल्फ का उपयोग करेंगे, यहाँ हम लोग वोल्ट यहाँ नहीं शो कर रहा है, देखिए यहाँ दिखाइए, हम स्विच दबा रहे हैं लेकिन यहाँ हम लोग का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो चलिए रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। गाइस, यहाँ ऑटोमेटिक वोल्टेज तो आ जाएगा, बट हम लोग को जो ये सेल्फ का जो स्विच है ना इसमें हम लोग को ग्राउंड आएगा, और ग्राउंड वो हम लोग को जैसे कि क्लास स्विच हो के यहाँ के हम लोग ECM में आता है, ECM हो के हम लोग को जाता है। अब वो चीज़ हम लोग का ख़राब हो गया, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, एक वायर दीजिए, देखिए गाइस, यानी कि इस वायर पे हम लोग एक वायर भरेंगे, ठीक है। अब बॉडी अर्थिंग हम यहाँ से अगर दें और अगर जैसे सेल्फ काम करेगा तो हमको पता चल जाता है जो ACM हम लोग का ख़राब है। चलो यानी कि सेल्फ स्टार्ट हो गया है, चलो बंद करते हैं, एक बार और दिखाता हूँ, सेल्फ स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, इससे बहुत ही डेंजर वाली बात है, ये जो हम लोग का ACM है, ACM ख़राब हो चुकी है, तो ACM हम लोग को नया बदलना पड़ेगा, बहुत ही कीमत है। तो चलो कुछ हम अलग तरीका करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। तो गाइस, यह हम लोग का ACM से ग्राउंड आएगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग ग्राउंड नहीं आ रहा है, तो ग्राउंड एक्सटर्नल हम लोग देंगे। ये जो ब्लैक कलर की वायर है इसको हम लोग ओपन करेंगे, ये वायर हम लोग का डायरेक्ट ACM से आता है। इस देखिए ACM में हम लोग का एक वायर है ब्लैक और यहाँ ब्लैक, तो यानी कि हम लोग का कहीं संपर्क है ACM से। तो चलो आप लोग को तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले इस कपलर को हम लोगों को खोलना पड़ेगा, कटेंगे नहीं हम, बाद में अगर ACM लगाए तो फिर पहले जैसा बना सकते हैं, यानी कि इस वायर को हमने खोल लिया है गाइस, ठीक है। अब ACM से हम लोग ग्राउंड नहीं लेंगे, एक्सटर्नल ग्राउंड देंगे,
तो यानी कि ये जो वायर मैंने खोला है यहाँ जो ब्लैक में वाइट है इसमें हम लोगों को एक वायर भरेंगे गाइस, ठीक है। चलो वायर भरते हैं। यहाँ हमने वायर भर दिया है, अब सवाल है इसको अगर हम बॉडी कर दें और यहाँ सेल मारे तो हम लोग को काम करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, चाबी ऑन है, बंद, सेल, तो यानी कि काम कर रहा है। अब हम लोग देंगे कहाँ, देखिए वायरिंग हार्नेस में हम लोग को ब्लैक में वाइट जो वायर है ये हम लोग का बॉडी अर्थिंग है। बॉडी अर्थिंग आप कैसे चेकअप करें वो भी बता देता हूँ, मल्टीमीटर दीजिए। क्वांटिटी में करके आप लोगों को ये पता लगाना है जो कौन सा वायर बॉडी अर्थिंग है। तो फिलहाल मैंने आपको बता देता हूँ, ये जो ब्लैक में वाइट है ये हम लोग का बॉडी अर्थिंग है। एक वायर यहाँ लगाया और एक वायर बॉडी करेंगे तो बीप बजना बजाइए, तो यानी कि बीप बज रहा है, यही हम लोग का बॉडी अर्थिंग है। अब इस वायर को हम लोग जैसे कि यहाँ से तो इस वायर को कट लिया है, अब डायरेक्ट यहाँ हमने वायर जो लगाया है हम लगाएंगे इसी वायर पे, बॉडी अर्थिंग लेंगे। बॉडी अर्थिंग ले लिया है, बस अब आसानी से हम लोग का सेल्फ काम करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गाइस, किल स्विच ऑन ऑफ, वन बंद कर देता हूँ, तो यानी कि सभी काम कर दिया। अब गियर में बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं मैं आपको दिखाता हूँ, बाइक अभी गियर पर है, क्लासिक खींचो, काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखिए इसका वायर जो है कटा हुआ है क्लास स्विच का, मैं आपको दिखाता हूँ। क्लास स्विच का वायर यहाँ कटा हुआ है, एक नया स्विच लगाने से काम बन जाएगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये जो जैसे कि कटा हुआ वायर है इसको हम लोग आपस में ज्वाइन करेंगे। अब हम लोग गियर में बाइक है जिसमें कि क्लास दबाया काम कर रहा है, तो अभी फिलहाल इसको हम लोग खोला रखेंगे, ठीक है, क्योंकि गियर पर भी बाइक स्टार्ट हो जाएगा, स्विच लगाने से हम लोग का काम बन जाएगा। तो इससे आप लोगों ने क्या देखा, ज़्यादा से ज़्यादा BS6 बाइक में होता है क्या, ये जो ACM है, ACM हम लोगों का ग्राउंड देता है, तो यहाँ से अगर ग्राउंड नहीं जाएगा तो हम लोग का सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सुपर स्प्लेंडर बाइक में भी किया था, उसमें भी ऐसा हम लोग का रीजन हो रहा था, यानी कि ग्राउंड जो है ACM हम लोग को नहीं दे पा रहा है, तो ACM का कारण ऐसा हो रहा था। तो यानी कि आप लोगों ने देखा, अगर इस वायर में आप लोगों को दोनों जगह में वोल्टेज मिल रहा है तो आप लोगों को ये जो लास्ट वाला वायर है ब्लू में वाइट, इसमें बॉडी अर्थिंग देखे और ग्राउंड देखे, देखो जो सेल्फ अचानक अगर काम कर लेता है तो आप लोगों को समझना है ACM हम लोग का ख़राब हो गया है, तभी उसका कारण सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ टोटली वोल्टेज नहीं आएगा तो आप लोग को फ्यूज़ देखना है, यहाँ एक फ्यूज बॉक्स दिया गया है इसको देखना है, बैटरी का वोल्टेज देखना है, स्विच चेकअप करना है, ये सेल्फ वाला जैसे मैंने चेकअप करके दिखाया, किल स्विच चेकअप करना है, यानी कि सभी ठीक था। तो गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को बनाया जिसमें कि आप लोगों के पास अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरा वीडियो देखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं।